हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो जिस तरह से फर्स्ट चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वेदर इट इज़ प्लांट्स वेदर इट इज़ एनिमल्स, तो उसके तीन मेजर इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो उसी तरह से उस चीज़ को आपको मद्देनजर लेके चलना है, क्योंकि जब ये सीक्वेंस चलता है तो बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो उन टॉपिक्स को पहले पढ़ते हैं जो उनको इजी लगते हैं, सीक्वेंस जो है उसको नहीं पढ़ते हैं। सो अगर आप सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और अच्छे से अंडरस्टैंड भी होगा। तो अब मैंने क्या बोला कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब है कि उसके दो इवेंट्स मैंने आपको बताए थे। पहला होगा गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद होगा गैमेट ट्रांसफर। सो गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिस तरह से दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पेरेंट्स में गैमेट्स किस तरह से बनते हैं उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, राइट। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, राइट। सो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है उसको क्या बोला जाता था, एंड्रोशियम। क्या कहा जाता था, एंड्रोशियम। सो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो एंड्रोशियम का दूसरा नाम क्या होता था, स्टेमन। अब इसकी चार टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि अगेन वही बात हो गई कि आप कॉन्सेप्ट से फैमिलियर नहीं होते हैं और आपको भूल जाता है, आपको ये नहीं पता होता है कि माइक्रोस्पोर एंजाइम क्या है, पोलन ग्रेन में क्या डिफरेंस है, पोलन सैक क्या होता है, स्टैमन क्या होता है। आप सबको एक ही मान के चलते हैं तो वहीं पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसी को सबसे पहले हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे जो लार्जर यूनिट होगा उसको बोला जाएगा स्टैमन। क्या बोला जाएगा, स्टैमन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब स्टैमन में कौन कौन से पार्ट आएंगे, स्टैमन में मैंने आपको तीन पार्ट्स बताए थे। कितने पार्ट्स बताए थे, तीन। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट जो होगा, ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोला जाएगा फिलामेंट। क्या बोला जाएगा इसको, फिलामेंट, राइट। उसके बाद जो स्टैमन का दूसरा पार्ट होगा उसको कहा जाएगा एंथर। क्या कहा जाएगा, एंथर। और जो इसका तीसरा पार्ट होता है जहां से ये जुड़ा होता है, इसको कहा जाता है कनेक्टिव। क्या कहा जाता है, कनेक्टिव। अब इसमें मैं आपको एक नीट का ऑब्जेक्टिव बता देता हूं, ये जो कनेक्टिव है इट इज स्टेराइल पार्ट। कौन सा पार्ट है ये, स्टेराइल पार्ट। फिलामेंट का फंक्शन क्या है कि ये एंथर को जोड़ता है रिसेप्टेकल के साथ, राइट। सो ये मैंने किसकी बात की, स्टैमन की। तो स्टैमन के कितने पार्ट्स हो गए, तीन पार्ट्स हो गए, एंथर हो गया, उसके बाद कनेक्टिव हो गया, उसके बाद फिलामेंट हो गया, राइट। अब उसके बाद अगला जो पार्ट होगा वो होगा एंथर। कौन सा पार्ट होगा, एंथर। व्हाई एंथर, क्योंकि एंथर के अंदर ही होंगे पोलन ग्रेन्स। क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स। इसीलिए यहां पे देखिए, ये जो मैंने एंथर बनाया है, अब जो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में एंथर होता है इट इज यूजुअली बायलोट, बायलोट या फिर डाइथिकस। तो बायलोट कहने का क्या मतलब है, आपको क्या करना है, एक फ्लावर लेके आना है। आप हिबिस्कस का फ्लावर लेके आइए, चाइना रोज लेके आइए। तो आपने क्या करना है, अब इसको समझने के लिए, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि एनिमल्स हमें इसलिए अच्छे से समझ में आता है क्योंकि हम उसकी एग्जांपल्स को अच्छे से समझ पाते हैं। तो आपने क्या करना है, जब ये आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपने अपने पास एक फ्लावर रख लेना है और फ्लावर का एंथर निकालना है। एंथर में आपने क्या करना है, जहाँ से वो जुड़ा होगा उसकी लोब, उसको देखना है कि वो कौन सा है, ठीक। सो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा, देखिए ये मैंने बनाई किसकी, फिलामेंट की लोब। अब इस फिलामेंट से जुड़ा रहता है एंथर। तो ये जो एंथर होता है ये यूजुअली बायलोब्ड होता है इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। वैसे तो ये ट्राइथिकस भी होता है, लेकिन हम जो स्टडी करेंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में होता है वो डाइथिकस या बायथिकस होता है, बायलोब्ड होता है, ठीक है। सो ये क्या, बायलोब्ड। बायलोब्ड का कहने का मतलब ये है कि जो इसकी फिलामेंट है, इसकी फिलामेंट के साइड से
एंथर की दो लोब्स निकलेंगी, यह आपने 11th क्लास में प्लांट मॉर्फोलॉजी में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, राइट। अब उसके बाद जो अगली बात आई, अगली बात यह है कि ये जो स्टैमन का तो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के, एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। सो जो टिपिकल एंथर होता है, अगर मैं इसका 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, सो ये कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। वही कह रहे हैं कि आपको ये ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे बना देता हूं, देखिए जो टिपिकल एंथर होता है, जब आप उसको ऊपर से डायसेक्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखता है आपको, राइट, कुछ इस तरह का दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए इसको ट्रांसवर्सली डाइसेक्ट करते हैं ब्लेड से। आप ये स्कूल में भी कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल क्लास में बहुत इजी होता है, अगर आप इसको स्कूल में करेंगे तो बहुत ही इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से डाइसेक्ट करेंगे ट्रांसवर्सली, और डाइसेक्ट करने के बाद जो इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में लॉन्ग आंसर में आपको पूछा जा सकता है, अगर 3 मार्क्स में आता है तो सिर्फ आपको डायग्राम बनानी है, और नीट के भी बड़े सारे इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। सो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि एंथर जो होता है यूजुअली बायलोब्ड होता है, सो हम क्या करेंगे, जब इसको ऊपर से ट्रांसवर्सली काटते हैं तो इसके हमें 4 सेगमेंट्स दिखते हैं। कितने सेगमेंट्स दिखते हैं, 4 सेगमेंट्स, और वो जो सेगमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये देखिए, ये 4 सेगमेंट्स हैं, मैंने यहाँ पे 1 सेगमेंट का पूरा डायग्राम बनाया है, वैसे ही चारों सेगमेंट्स में भी एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर होता है। तो समझाने के लिए हम आपको 1 सेगमेंट का यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो ये मैंने स्ट्रक्चर दोबारा से कह रहा हूँ किसका बनाया है, एंथर का। सो देखिए, एक एंथर में कितने आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं, 4, राइट। इसीलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहा जाता है। टेट्रा का मतलब कि इसकी इसके 4 पोर्शंस हैं, और इनके चारों पोर्शंस में ही क्या डेवलप होते हैं, पोलन ग्रेन्स, राइट। सो आइए इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वो भी समझना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है। सो जब एंथर का डेवलपमेंट होता है, तो एंथर का डेवलपमेंट के लिए जो सबसे पहला सेल आता है उसको बोला जाता है आर्किस्पोरियल सेल। क्या कहा जाएगा, सो इसका जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा वो कौन से सेल से स्टार्ट होता है, आर्किस्पोरियल सेल से। ये ऑब्जेक्टिव है। सो ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, ये डिवाइड करना शुरू करेगा। जब ये डिवाइड करना शुरू करेगा तो ये क्या, एंथर की अलग अलग लेयर्स को बनाना शुरू कर देगा, राइट। सो जो देखिए, सबसे पहली मैंने लेयर बनाई है, इस लेयर को बोला जाता है एपिडर्मिस, दिस इज द फर्स्ट लेयर, राइट। एपिडर्मिस के इनसाइड जो सेकेंड लेयर आता है, दैट इज फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर, इसको बोला जाता है एंडोथीशियम। क्या कहा जाएगा बेटा जी, इसको कहा जाएगा एंडोथीशियम, ठीक। तो कभी कभी क्या किया होता है कि नीच में आपको सीक्वेंस वाइज उन्होंने आपको पार्ट्स दिए होते हैं, आपको उनको अरेंज करना होता है। तो सबसे फर्स्ट लेयर आ गया एपिडर्मिस, सेकंड लेयर आ गई एंडोथीशियम। अब इनसाइड एंडोथीशियम हमारे पास 1-3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको कहा जाता है मिडल लेयर्स। तो मैंने यहाँ पे 3 मिडल लेयर्स बनाई हैं, ये देखिए सबसे पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 मिडल लेयर्स बनाई हैं। सो एपिडर्मिस का फंक्शन आपको बता देते हैं। एपिडर्मिस क्या करती है, जो अंदर वाला टिश्यू होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। फाइबरस जो एंडोथीशियम का लेयर है, ये इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर फूड प्रोवाइड करवाता है इनको, किसी तरह का फूड का लीकेज नहीं होने देता है, राइट। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर आती है एंथर के स्ट्रक्चर में, वो है ये टेप्टम की। ये देखिए जो ग्रीन कलर में मैंने लेयर बनाई है, ये टेप्टम का लेयर। अब ये टेप्टम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए टेप्टम के अंदर जो टिश्यू आएगा उसको बोला जाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू। अब जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, इसके अंदर स्टोर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल? क्योंकि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा यही फ्यूचर में जाके क्या बनाएगा, यही फ्यूचर में जाके बनाएगा पोलन ग्रेन्स या फिर मेल गैमेट्स, राइट? सो इस चीज का आपको बड़े अच्छे से क्या रखना है, ध्यान रखना है, राइट? सो अब मैं बात कर रहा था टेपटम का फंक्शन क्या है. तो देखिए टेपटम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स आएंगे उन सब न्यूट्रिएंट्स को इस पर्टिकुलर टेपटम की लेयर से पास होना पड़ेगा, यानी कि ये एज ए चेक पॉइंट यहाँ पे रहती है और ये टेपटम की जो लेयर होती है स्पोरोजिनस टिश्यू को स्टोर करके रखती है, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, राइट? सो ये मैंने किसकी बात की, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. अब एंथर के बाद जो अगला स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट? सो माइक्रोस्पोरेंजियम और एंथर में डिफरेंस क्या है इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा. अब देखिए एंजियम का मतलब होता है कवरिंग. क्या मतलब होता है कवरिंग? यानी कि ये वो वाली कवरिंग है जिसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर्स होंगे. एक चीज बताना मैं भूल गया कि जो टेपटम है इसकी दो टाइप्स होती हैं, पहली होती है एमीबॉइड टाइप और दूसरी होती है सेक्रेटरी टाइप. दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एमीबॉइड टाइप होता है इसमें जो टेपटम का शेप होता है ये इररेगुलर होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एमीबॉइड. और जो सेक्रेटरी होता है इसमें जो टेपटम का शेप होता है ये एकदम फिक्स होता है, राइट? यही इन दोनों में डिफरेंस होता है, राइट? अब उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम. सो माइक्रोस्पोरेंजियम का देखिए दूसरा नाम क्या है, पोलन सैक. सो पोलन सैक का मतलब ये है कि जिसके अंदर पोलन स्टोर होंगे. सो हम ये कह सकते हैं कि एंथर का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम. एंजियम यानी कि कवरिंग. सो जिस कवरिंग के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर होगा, राइट? अब आगे मैं अगर बात करूं तो जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है ये होता है डिप्लॉइड. क्या होता है, डिप्लॉइड, राइट? सो यही जो डिप्लॉइड सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यही फ्यूचर में जाके क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर, जिसे कहा जाता है पोलन ग्रेन, राइट? सो दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं. सबसे पहला स्ट्रक्चर है स्टैमन, स्टैमन के बाद आ गया एंथर. एंथर का हमने देखा ट्रांसवर्स सेक्शन. तो ये जो मैंने जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ये चारों कॉर्नर्स में एक जैसे ही होते हैं, राइट? सो आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है बहुत ही अच्छे से. अब जो ये कॉर्नर है जहां से एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से जुड़ा होगा इसको कहा जाता है स्टोमियम. क्या कहा जाता है, स्टोमियम, राइट? तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये किस तरह से पोलन ग्रेन्स बनाता है, राइट? क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है और जो पोलन होता है या माइक्रोस्पोर होता है इट इज हैप्लॉयड, जो फ्यूचर में जाके मेल गैमेट्स बनाएगा, राइट? तो आगे हम वही देखते हैं. सो अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं वो माइक्रोस्पोर एंजियम में स्टोर रहते हैं. तो अब हम ये देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोर एंजियम में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं विच आर डिप्लॉयड वो किस तरह से पोलन ग्रेन बनाते हैं, राइट? सो द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ये आपको 2 से 3 मार्क्स में एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. तो देखिए सबसे पहले इसको मैं अलग कर देता हूं. सो ये है हमारे पास पोलन मदर सेल विच इज डिप्लॉयड. सो इसमें होगी मेयोसिस, राइट? सो मेयोसिस 1 के बाद हमें मिल जाएंगे 2 डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर. फिर इसके बाद इसमें होगी मेयोसिस 2. मेयोसिस 2 इज जस्ट इक्विवेलेंट टू माइटोसिस. सो मेयोसिस 2 के बाद हमारे पास 2 के बन जाएंगे 4 सेल्स. अब ये जो 4 सेल्स बने हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड, राइट? सो जो माइक्रोस्पोर सेल होगा इट इज हैप्लॉइड.
अब जो अगला सबसे बड़ा सवाल है, और नेट में काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है, कि जो ये माइक्रोस्पोर है ये अपने आप को अलग अलग पैटर्न्स में अरेंज करता है। सो इसका जो अरेंजमेंट का पैटर्न है, इसके 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, राइट। सो जो सबसे पहला इसका टाइप है, ये जो 4 माइक्रोस्पोर अरेंज हुए हैं, सबसे पहला जो इसका अरेंजमेंट का टाइप है वो है टेट्राहेड्रल। सो टेट्राहेड्रल टाइप में देखिए क्या होगा, कि जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे। ये हमें 3D स्ट्रक्चर देता है। ये देखिए 3 मैंने आगे बनाए हैं और एक इनके बैक साइड में होता है, यानी 4। अब 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करने की कोशिश करें, यहाँ पे हम 3D नहीं बना सकते, लेकिन ये 3 आपको यहाँ दिख रहे हैं, एक जो माइक्रोस्पोर होता है इसके बैक साइड में होता है, राइट। उसके बाद जो सेकेंड अरेंजमेंट है, इसको कहा जाता है आइसोबायलेटरल अरेंजमेंट। सो इस अरेंजमेंट में क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो दोनों साइड पे बराबर होंगे, ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं। सो इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए ये 2 आगे एक साइड लेफ्ट साइड और 2 आगे राइट साइड। सो आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 ऊपर या फिर 2 नीचे, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इट इज आइसो बायलेटरल, आइसो यानी कि सेम। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेकासिट। तो डेकासिट में क्या होगा, कि जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे, क्या होगा कि एक माइक्रोस्पोर ऊपर होगा, दूसरा माइक्रोस्पोर नीचे होगा, और जो 2 माइक्रोस्पोर होंगे वो सेंटर में होंगे कुछ इस तरह से, राइट। सो इसको कहा जाता है डेकासिट अरेंजमेंट। अब लीनियर अरेंजमेंट में क्या होगा, कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो अपने आप को एक लाइन में अलाइन कर लेंगे कुछ इस तरह से, 1, 2, 3 and 4, राइट। और जो टी शेप होगा, टी शेप में क्या होगा, कि जो 2 माइक्रोस्पोर होंगे वो ऊपर वाली साइड होंगे, और जो बाकी के 2 होंगे वो इसके एग्जैक्ट नीचे होंगे, राइट। सो आप बोल रहे होंगे कि ये टी कहाँ से बना, तो देखिए ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसको कहा जाता है टी शेप। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, कि किस तरह से जो पोलन मदर सेल है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इसको PMC भी कहा जाता है और MMC भी कहा जाता है, राइट। कि किस तरह से पोलन मदर सेल्स विच इज डिप्लॉयड गिव राइज टू 4 हैप्लॉयड स्पोर्स। अब जो ये 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स हैं, दे ऑल आर फंक्शनल। इन सब में ये कैपेबिलिटी होता है कि ये फ्यूचर में जाके मेल गैमेट्स बना सकते हैं। सो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ये माइक्रोस्पोर हैं या फिर ये जो ये पोलन ग्रेन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एग्जाम में ये भी आपको 2 से 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो अगर मैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं। सबसे जो आउटर लेयर होती है, इसको कहा जाता है एक्साइम। तो देखिए अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें याद क्या रखनी है। तो देखिए एक्साइम जो लेयर होती है, इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि ये रफ लेयर होती है। रफ लेयर होती है, रफ क्यों होती है, क्योंकि यही पोलन ग्रेन जो है ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। अगर ये स्मूथ होगा, वैसे कुछ स्पीशीज में स्मूथ भी होता है लेकिन मेजॉरिटी में ये रफ होता है, तो ये स्टिग्मा के साथ क्या कर सकता है, अच्छे से अटैच कर सकता है। उसके बाद ये स्टिकी होती है, एक्साइम की जो लेयर होती है स्टिकी होती है। स्टिकी किसके कारण होती है, इसके पास एक येलोइश कलर का फ्लूड होता है। क्या होता है, येलोइश कलर का फ्लूड होता है, जिसको कहा जाता है पोलन किट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये पोलन किट क्या करता है, ये पोलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट, ताकि ये जो पोलिनेटर्स हैं इसके पास आए और इस पोलन ग्रेन को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के पास क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एक्साइम का लेयर होता है, इट इज वेरी वेरी टफ लेयर। ये बहुत ही टफ लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है ये, और ये क्या करती है, पोलन ग्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। जो इसका टफ नेचर होता है, इसमें एक केमिकल सबस्टांस होता है,
केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको कहा जाता है स्पोरोपोलेनिन, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये क्या करता है, इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, और ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये इतनी आसानी से इस ये जो पोलन ग्रेन है इसको डिग्रेड नहीं होने देता है। बड़े से स्ट्रॉन्ग एंजाइम भी ये जो स्पोरोपोलेनिन ये एंजाइम की लेयर होती है इसको इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होने देता है। इसीलिए जो जितने भी फॉसिल रिकॉर्ड्स होते हैं, हम जो प्लांट्स के फॉसिल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं उसमें जो पोलन ग्रेन को बचाता है वो ये एंजाइम लेयर बचाती है। एंजाइम में ये स्पोरोपोलेनिन केमिकल होता है जो इस पोलन ग्रेन को बचा के रखता है। सो ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये फॉसिल रिकॉर्ड में भी हेल्प करती है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव है, दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव, और ये भी ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद एग्जाइम में क्या होते हैं, स्पेशल पोर्स होते हैं जिनको कहा जाता है जर्म पोर्स। अब इस जर्म पोर का क्या फंक्शन है, क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, सो हम देखेंगे कि जब ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है ये बनाता है पोलन ट्यूब। सो ये जो जर्म पोर होता है यहाँ से निकलती है पोलन ट्यूब, ये कहीं से भी निकल सकता है, बहुत सारे जर्म पोर्स होते हैं। सो जर्म पोर का मेन फंक्शन क्या है कि ये पोलन ट्यूब यहाँ से निकलती है। अब जो उसके अंदर वाली लेयर आई उसको बोला जाता है एंटाइन की लेयर, राइट। सो एंटाइन लेयर एज कम्पेयर टू एग्जाइन ये इतनी स्ट्रांग तो नहीं होती है, लेकिन ये भी क्या करती है अपने जो पोलन ग्रेन है इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करवाती है, राइट। तो इस चीज का बड़े अच्छे से ध्यान रखें। एक चीज याद रखिए कि नीट में इस पर्टिकुलर सेक्शन से बहुत सारे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो पिछले साल दो तीन अगर साल के आप एग्जामिनेशन उठा के देखेंगे तो आपको काफी सारे इसमें से क्या दिख जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स दिख जाएंगे, राइट। तो आगे बात करते हैं, अब हम एंटाइम के जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसमें साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर होगा न्यूक्लियस। सो इससे जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पोलन ग्रेन है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, या फिर पोलन ग्रेन जो है वो मैच्योर किस तरह से होता है, और वो एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है कि किस तरह से ये जो इमैच्योर पोलन ग्रेन है इमैच्योर पोलन ग्रेन से किस तरह से मैच्योर पोलन ग्रेन बनाता है। तो आज हमने डिस्कस किया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने स्टैमन के बारे में डिस्कस किया, एंथर के बारे में डिस्कस किया, माइक्रोस्पोर एंजियम, और किस तरह से उससे माइक्रोस्पोर बनता है। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।